हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। अभी आपने पिछले वीडियोस में समझा होगा कि एक ऑफर क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, तो इसके आपने बेसिक डिफरेंसेस समझ लिए। अभी हम समझेंगे कि टाइप ऑफ ऑफर क्या होते हैं। अब टाइप ऑफ ऑफर्स में क्या आता है, जैसे कि एक एक्सप्रेस ऑफर होता है फॉर एग्जाम्पल, मतलब बेसिकली आप वर्बली या रिटर्न में किसी को अगर अपने एक ऑफर को एक्सप्रेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मेरे को ये बोर्ड आपको बेचना है फॉर 1000 रुपीज़, ऑफर 1500 रुपीज़, सो दिस इज एन एक्सप्रेस ऑफर जो कि मैंने आपको वर्बली बोला। सेम चीज़ अगर मैं आपको रिटर्न में बोलूंगा तो मैंने एक एक्सप्रेस किया है कि मैं ये चीज़ आपको बेचना चाहता हूँ, आई हैव मेड एन ऑफर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। सेकेंड इज इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर होता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक ऑफर क्लेम किया कि मैं आपके पापा को एक ऑफर दे रहा हूँ, सो दैट आई विल सेल माई हाउस टू योर फादर एट पर्टिकुलर रेट इन दिस पर्टिकुलर ईयर। अब मैंने बता दिया उनको कि मैंने इस साल पे दे रहा हूँ, लेकिन आपने बोला कि मेरे को अपने पापा के नाम पे नहीं खरीदना, मेरे को खुद के नाम पे खरीदना है, तो मैंने उसमें एक इम्प्लीकेशन लगा दिया है कि मैं आपको घर तब बेचूंगा जब आपके फादर की डेथ हो जाएगी, मतलब आफ्टर योर फादर हैज़ पास्ड ऑन, वो जो प्रॉपर्टी है वो आप परचेज कर सकती है, आपके पास आ जाएगी, या जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो उनके बाद आपके पास आ जाएंगे। सो दिस इज़ एन इम्प्लाइड ऑफर कि अगर ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर वो आपके पास चला जाएगा। पहले मैंने ए पर्सन को रखा हुआ, अगर वो ए पर्सन रिजेक्ट करेगा तो फिर वो बी पे आएगा, बी पर्सन रिजेक्ट करेगा तो फिर वो सी पर्सन के पास जाएगा। थर्ड इज स्पेसिफिक। अगेन ये भी है ना, कंडीशनल ऑफर होते हैं, स्पेसिफिक लोगों के साथ बनाए जाते हैं, मतलब मेरे को मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है, अब मैंने वो बोला है कि ये प्रॉपर्टी मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक वालों को सेल करूंगा, मैं किसी और प्रोफेशन वाले को नहीं दूंगा, वैसे जो बैंक एम्प्लॉयज होते हैं मैं उनको दूंगा, वैसे जो रेलवे एम्प्लॉयज होते हैं उनको दूंगा, तो दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर दैट आई हैव मेड। नेक्स्ट इज जनरल ऑफर्स जो कि सबके लिए होते हैं, जैसे मैंने पब्लिक में, जैसे आप एड्स देखते हैं हम टीवी पे, तो टीवी पे जो एड्स आती हैं कि उनको सर्फ एक्सेल बेचना है, उनको कपड़े बेचने, उनको जूते बेचने, तो स्पेसिफिक नहीं होते कि वो पर्टिकुलर इसी इंसान को बेचेंगे, इस टाइम पे बेचेंगे, उनकी एक शॉप है, कोई भी इंसान वहाँ पे जाके उसको परचेज कर सकता है, भले वो उसको यूज़ करता हो या ना करता हो, बट वो उस ऑब्जेक्ट को परचेज कर सकता है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू कॉम्पिटेंट पार्टीज। अब कॉम्पिटेंट पार्टीज़ में यहाँ पे हमारे पास चार टाइप्स हैं। कॉम्पिटेंट पार्टीज़ बेसिकली होता क्या है कि कौन इस ऑफर को या एग्रीमेंट को ले सकता है, उसके लिए मतलब जब एक ऑफर साइन हुआ है, जब एक एग्रीमेंट हुआ है दो लोगों के बीच में, तो उस टाइम पे हम किस इंसान को कॉम्पिटेंट समझेंगे, दैट हु इज़ द पर्सन लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफर और एग्रीमेंट। फर्स्ट इज मेजर। मेजर माइनर को हम सीधे सीधे एज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, जो मेजर्स होते हैं वो 18 प्लस होते हैं, जो माइनर्स होते हैं वो 18 बिलो होते हैं। अब मेजर्स के पास में जो जनरल लॉज होते हैं वो उसको अबाइड करते हैं, और जो माइनर्स होते हैं उनके पास एक गार्जियन या वार्ड होता है। जैसे कि आपने बहुत रिसेंटली सुना होगा कि जो इन्फोसिस के ओनर हैं उनका भी जो ग्रैंडसन हुआ है, उसके पास ग्रैंडसन के पास इन्फोसिस के कुछ पर्टिकुलर शेयर्स गए। अब ऑब्वियसली उसको इस ऑफर के बारे में कुछ पता नहीं है, ही इज़ अनअवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, बट उसके नाम पे वो शेयर्स जो हैं वो इश्यूज कर दिए गए, बट उनके उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली इज अ माइनर, तो माइनर के साथ साथ एक गार्जियन या एक वार्ड भी है जो कि उसको 18 साल तक संभालेगा। हो सकता है कि 10 साल की उम्र में उसको कोई बोले कि जो आपके शेयर्स हैं वो मेरे को सेल कर दो, बट क्योंकि वो एक माइनर है तो अगर उसने मान लीजिए किसी को सेल भी कर दिए, बाद में उसका गार्जियन या वार्ड जो भी होगा वो उसके पास में डिसीजन मेकिंग होगा कि नहीं इसने गलत डिसीजन लिया है, इसने आपको सस्ते में शेयर दे दिए या अभी हमें शेयर्स नहीं बेचने, वो जब 18 प्लस का हो जाएगा तब वो एक साउंडफुल डिसीजन ले सकता है। साउंडफुल से फिर नेक्स्ट इज पर्सन ऑफ अनसाउंडफुल माइंड। अब अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम आर्टिकल 11 देखेंगे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आर्टिकल 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों में इनडायरेक्टली समझाया गया है व्हाट इज एन अनसाउंड माइंड। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, हम बहुत ज्यादा मूवीज में ये सब देखते हैं कि दो लोग हैं, एक ने दूसरे को बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेट कर दिया, अल्कोहल कंज्यूम करा दिया और फिर उससे प्रॉपर्टीज पे साइन करा लिए, बट अंडर इंटॉक्सिकेशन लॉ और अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब आर्टिकल 11 एंड 12, उसमें लिखा गया है कि अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है, एक लिमिट से ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड है, जब वो उसका माइंड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो एक रैशनल डिसीजन नहीं बना पाएगा, तो उस कंडीशन में वो एक ऑफर प्लेस नहीं कर सकता है, या उस टाइम पे जो एग्रीमेंट किया गया है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। एंड लास्ट इज पर्सन डिक्लेयर इनकम्पिटेंट बाय लॉ। अब जैसे एक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, ही इज़
इनकॉम्पिटेंट बाय लॉ। सिमिलरली आपको इंडिया में कोई ज़मीन खरीदनी है, अब ज़मीन आप उसी को बेच सकते हो जो कि एक इंडियन सिटीज़न होगा, बट किसी किसी को यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट बताया गया है। जैसे कुछ पर्टिकुलर नेशंस हैं, कुछ टेररिस्ट हैं, या कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इंडिया में करी गई जिनको उन्होंने इंडिया ने बार करके रखा, इंडियन जुडिशियरी ने बार करके कि ये लोग इंडिया में आ नहीं सकते, अगर वो आएंगे तो उनको जेल हो जाएगी। प्लस दे कैन नॉट बाय एनी प्रॉपर्टी इन दिस पर्टिकुलर कंट्री और इन द नेम ऑफ इंडिया, दे कैन नॉट बाय एनी प्रॉपर्टी। सो दीज आर द फोर कैटेगरीज के जिसके अंदर कॉम्पिटेंट पार्टीज आते हैं। इनकॉम्पिटेंट पार्टीज में किसी किसी कंट्री में, नॉट इन इंडिया बट इन सर्टेन कंट्रीज जहां पे विमेन को भी बोला जाता है दैट दे आर इनकॉम्पिटेंट, बट इन इंडिया इट इज नॉट सच। जेंडर बेसिस पे कॉम्पिटेंसी डिसाइड नहीं होती है, एज एक जरूर फैक्टर है कि आप 21 अबव होना चाहिए, बट स्टिल इनकॉम्पिटेंसी इज नॉट बेस्ड ऑन जेंडर। विमेन आर इक्वली इक्वल हैज द राइट टू फॉलो एनी एग्रीमेंट और ऑफर। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।